से। अरे बाप रे। किसमें रहती हूँ मैं? हाँ, आप यहाँ रहती हैं? आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये। पकड़ो आप, देखिए अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ सर टीचर्स तो पूरा दोनों हाथ अपने फैला नहीं सकता। टीचर्स बोलते हैं हाथ की दूरी पे मोबाइल रखने की, हाथ की दूरी पे जगह ही नहीं है सर। ये बस इतना क्यूबिकल है, कमरा नहीं है ये। प्लीज बोलिए यार। हाँ, आप अपने लिए ही आए हैं। ये छोटा सा एक बिस्तर है जिसमें एक व्यक्ति किसी तरीके से शायद पूरा भी नहीं आएगा। डर से मारे बोल नहीं रहा, पता है कि निकाल देंगे वो लोग। ये देखिए, ये है पढ़ने के लिए। सर मैं आपको डबल सीटर दिखाती हूँ जो सर। और ये है, और छोटा मोटा आप अपना सामान यहाँ पर रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ किताबें, बस यही है। 10,500 दे रहे हैं। और इसका 10,500 रुपए आप इसका दीजिए। 10,500 पे कर रही हूँ सर। कोचिंग का फी अलग 2.5 लाख दिया मैंने। और यही हमारे भारत का नक्शा है जिसको हम कहते हैं मेरा भारत महान। बाप रे, देखिए अब देखिए, ये डबल सीटर है, मतलब इसमें दो लोग रहते हैं और एक जना 9,000 रुपए देता है यहाँ पर रहने के लिए। एक छोटा सा बिस्तर ये है जिसमें, जैसे मैं आपको कह रहा था, मुश्किल से एक जना आ सकता है और एक यहाँ है। हमारी मम्मी आ गई ना तो उनको 500 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसमें तो मैं, मुझे लगता है कोई और रह भी नहीं सकता। और ये किताबें हैं, बच्चे यहाँ तैयारी करते हैं। और देखिए ये कुछ छोटा मोटा खाने पीने का या जरूरत का सामान, बिना खाने के 10,500 रुपए। ये 3 सीटर है। 3 सीटर मतलब इसमें 3 लोग रहते हैं। इसमें आप 3 बिस्तर देखेंगे, 1, 2, 3। इसका रेंट क्या है? 9,000। तो 27,000 रुपए अगर आप देखें तो 27,000 रुपए इसकी कीमत है। आपका पढ़ाई में मन लग जाता है? पढ़ पाते हो? कभी कभी कंजेस्टेड फील होता है तो नहीं होता, बाहर घूम लेती हूँ। और कभी कभी हाँ हो जाते हैं। आप कहाँ से हो? मैं वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से आई हूँ। हाँ। तो आपकी फैमिली ने देखा है आपको कभी कि आप यहाँ रहते हो, कैसे रहते हो? हाँ देखे तो है, पर क्या करे, सबका फैमिली तो एडजस्ट करना पड़ता है। तो फैमिली के दौरान